तो सीधे लिए चलते हैं आपको सीएम मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां कैबिनेट बैठक के बाद वो प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। तो मालूम है कि कल 1 तारीख को अपना जो केंद्रीय बजट है वो पेश किया गया है, और उसके साथ ही आज हमारी कैबिनेट मीटिंग भी हुई है। स्वाभाविक है कि ये जो महीना रहता है इसमें 1 फरवरी को जैसे केंद्र का बजट आता है, उसके बाद प्रदेश भी अपना बजट पेश करते हैं, तो उस नाते से हमने अपना जो बजट सेशन है उसको भी आहूत किया है। निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सेशन हम लोग शुरू करें, और फिर उसके हिसाब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको तय करेगी कि कितने दिन तक वो बजट का सेशन चलेगा। पिछली बार परंपरा हमने शुरू की थी कि 2 भागों में बजट सेशन होगा, इस बार भी हमारा प्रपोजल यही रहेगा स्पीकर साहब को कि 2 भागों में रहे। एक हिस्से में प्रारंभिक गवर्नर एड्रेस बजट को पेश करना, और दूसरे हिस्से में उस बजट के ऊपर चर्चा और बजट को पास करना। केंद्र का जो बजट है उसमें वैसे तो कल से आप लोगों ने भी एकत्र की होंगी सारी बातें, जो हाईलाइट्स है उसके सब आपको पता लगे भी होंगे, फिर भी जो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है इस बात का कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रख करके पेश किया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, एल्डरमैन हो, और जब तक जहां तक छूट की बात है मध्य वर्ग के लोगों को इसमें काफी छूट दी गई है, व्यापारियों के लिए भी इसमें राहत है, किसानों के लिए भी इसमें विशेष तौर पर कई योजनाएं दी गई हैं, जिसका मैं आपके सामने कुछ वर्णन करूंगा। एक प्रकार से आम आदमी का ये बजट है, और इस बजट से निश्चित रूप से हमारा जो अमृतकाल जो पहला वर्ष इसका है, तो इस अमृतकाल के पहले बजट से बहुत बड़े परिवर्तन ये सब आएंगे, और आगे दीर्घकालीन एक दिशा भी इस बजट में ये दी गई है। बजट के लिए अगर कुछ विशेष जो चर्चा है वो आपको अगर सामने रखना चाहूं, तो जैसे आर्थिक वृद्धि दर जो केंद्रीय बजट में 7% दर्शाई गई है, विश्वव्यापी बाकी देशों को अगर देखें तो उनकी वृद्धि दर बहुत कम चल रही है, किसी की 2%, किसी की 3%, 2.5%, 7% जो इसमें एक इंक्रीज दिखाया गया है, तो ये एक बहुत अच्छा द्योतक है हमारे प्रदेश, हमारे देश का, कि हम इस लेवल तक जाएंगे। जहाँ तक हरियाणा का विषय है, हमारा इस पिछला जो वर्ष चल रहा है इसमें ये दर लगभग 8% की चल रही है, यानी केंद्रीय वृद्धि दर से भी हमारी वृद्धि दर ज़्यादा चल रही है, तो हरियाणा भी उसमें एक अच्छे एक पायदान पर ये खड़ा है। जहाँ तक घरेलू उत्पाद के जो वित्तीय घाटे की सीमा है घरेलू उत्पाद को ध्यान में रखते हुए, ये जैसे केंद्र सरकार ने इम्प्रूव करने के लिए अपना एक मनसूबा ये बताया है कि 24-25 तक जो आज 6.4% की जो वित्तीय घाटा है वो 24-25 तक 4.5% तक हम लेकर के आएंगे, ऐसा केंद्रीय हमारी वित्त मंत्री ने एक प्रकार का आगे का टारगेट रखा है, जो अभी 6.4% है, और अगले साल 23-24 में 5.9 होगा, और 24-25 में 4.5 तक लाएंगे। जहाँ तक प्रदेशों का विषय है, प्रदेशों में 3.5% ये अलाउ किया गया है, लेकिन 0.5% पावर रिफॉर्म्स के कुछ विषय है उसके साथ वो उसको क्लब किया है, तो पावर रिफॉर्म जिस प्रकार के हैं शायद हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो बाकी प्रदेशों में भी कहीं लागू हुआ ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी 3% जो है वो अलाउड है। हमने 3 से नीचे ही अपना ये जो वित्तीय घाटा ये रखा हुआ है, पिछले वर्ष का 2.9 यानी 21-22 का था, 2.9 था, 22-23 का अब ये समाप्त होगा वर्ष, तो उसमें लगभग 3% तक ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा लगता है, और एक अच्छी हरियाणा की स्थिति इस नाते से भी है। हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं वो इसमें काफ़ी वित्तीय संकट की स्थिति में आए हुए हैं, लेकिन हमने उससे कुछ लेना नहीं, हमने तो अपनी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया है, उसमें अब किसी को भी जो अन्न लेना है, बीपीएल परिवार हो, अंत्योदय उत्थान अंत्योदय परिवार अंत्योदय
योजना के अंतर्गत हो, अनियोजना के अंतर्गत हो, किसी को भी उसका पैसा नहीं देना उनका, जो एक रुपया दो रुपया लिया जाता था वो भी नहीं होगा, फ्री होगा। हमारे लगभग 29 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे अगले वर्ष के लिए। केंद्रीय बजट में जैसा प्रति व्यक्ति आय की बात आई थी, तो पिछले 8 वर्ष में यानी 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय थी उससे अब केंद्रीय बजट के अनुसार डबल होकर के 1.9 लाख पर व्यक्ति, वास्तव में ये जीडीपी का जो शेयर है ये वो होता है, तो उस नाते से आंका गया है। हरियाणा इसमें अपना योगदान 2.75 लाख 2,75,000 रुपया प्रति व्यक्ति, ये हमारा 22-23 का ये अनुमान हमारा रहने का है, अर्थात हम जो है केंद्र से भी काफी अच्छी स्थिति में है, यानी पूरे देश भर से, केंद्र से क्या, पूरे देश भर की जो एवरेज है वो 1.97 है, हरियाणा की अपनी 2.75 लाख पर कैपिटा इनकम इसको आ सकते हैं। कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान की बात की गई है, इसको केंद्र और जरा इसको एनहांस करेगा, और इस डिजिटल भुगतान में हम हरियाणा में यानी अकेले किसानों के खातों में 63,000 रुपया हमने डाला है पिछले 2 वर्ष में, और इस अभियान में हम पहले से ही बहुत आगे हैं। 63,000 करोड़ पिछले दो सालों में यानी 4 सीजन का जो पेमेंट है वो हमारा 63,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में गया है। किसान लगभग 10 लाख के आसपास किसान परिवार होंगे जिनको ये सब गया है। एक विषय आया है कि जो सारे देश भर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये योजना चलाई गई थी, हम उसमें और आगे बढ़ करके वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ऐसा योजना बनाई है, जो इस अगले साल में उसको हम जरूर क्रियान्वित करने में सफल होंगे। इसके लिए बाजार खड़े करना और उस बाजार में उन उत्पादों की बिक्री ठीक से हो जाए, यूनिटी मॉल इसके खोलने की बात केंद्र सरकार ने कही है, हम भी निश्चित रूप से उस यूनिटी मॉल का लाभ उठाने के लिए जो हमारे शेयर में आएगा उसका जरूर हम लाभ उठाएंगे, ताकि कुछ स्थानों पर जो बड़े स्थान हैं वहाँ यूनिटी मॉल्स ये बन सकें, ताकि उनकी बिक्री आसपास के जो भी ब्लॉक्स होंगे उनके उत्पाद की बिक्री वहाँ हो सके। एक विषय केंद्र सरकार में गोवर्धन स्कीम, पुरानी स्कीम है लेकिन इसको बढ़ाने के लिए 500 नए संयंत्र, जो वेस्ट टू वेल्थ कह सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी कह सकते हैं, ये जो स्थापित होंगे इसमें पहले से हरियाणा में 7 प्लांट्स के ऊपर काम चालू है, 3 नए प्लांट्स भी हमने अपनी जो योजना बना रखी है उसके अंदर हम स्थापित करेंगे, और इस 500 में मुझे लगता है कि हरियाणा में 10 से ज़्यादा भी अगर हमको कुछ आवंटन हुआ तो उसको भी हम पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। केंद्र ने 500 नए ऐसे संयंत्र बनाने की बात कही है। जहाँ तक कृषि व्यवस्था को और मजबूत करने का विषय है, तो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए संसाधन ये भी दिए जाएंगे, और उसमें मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र को भी बढ़ावा ये दिया जाएगा। वेटलैंड्स को महत्व तो बढ़ाया गया है पिछले वर्षों में, पहले बहुत कम वेटलैंड्स होती थी, जहाँ जो ये हमारे पूरे दुनिया भर के जो पशु और वन्य जीव यानी जीव अभयारण्य इस नाते से जो प्रवासी पक्षी आते थे, तो ऐसी जो झीलें थी, अब पिछले साल 75 का जो टारगेट रखा गया था, 75 ऐसे रामसर साइट्स ये अब तय की गई हैं, जिसके अंदर 2 साइट्स हरियाणा की पहले से हैं, गुरुग्राम में सुल्तानपुर और झज्जर में भिंडावास, ये 2 साइट्स पहले से हैं। गुरुग्राम के ही दमदमा झील, इसको भी चिन्हित हमने किया है, उसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे कि वो भी रामसर साइट के अंदर आ सके, ऐसा हमारा प्रयत्न है, क्योंकि वहाँ भी बहुत प्रवासी पक्षी ये आते हैं। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना ये शुरू की गई है, इसमें अब महिलाओं को पहले 1 लाख रुपए की बचत पर ये लाभ मिलता था, अब 2 लाख रुपए की बचत के ऊपर लाभ मिलेगा, जिसका इंटरेस्ट 7.5% ये महिलाओं को मिलेगा। और इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत खाता स्कीम है उसमें वो राशि भी 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए की गई है, जिसका इंटरेस्ट 8% होगा, तो ये भी वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत इसमें दी गई है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड न्यास आयोग ऐसे हैं जिसको उनका अगर कोई इनकम होती है, तो पहले जिनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता था उसमें अब राहत दी गई है,
उसमें हमारा जो HSPP है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके अंदर हालांकि पहले तो घाटे में ही था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अपनी स्थिति उन्होंने सुधारी है और अब वो प्रॉफिट में आने की स्थिति बनी है। अगर उस प्रॉफिट में से पहले टैक्स देने की बात थी, लेकिन ऐसे सब संगठनों को इनकम टैक्स की छूट दी गई है। अच्छा है कि जो पैसा HSBP का उसमें से बचेगा, उसको हम विकास के कामों में अपने प्रदेश में ला सकेंगे और इनडायरेक्टली वो प्रदेश के बजट को ही एक लाभ मिलेगा उसका, वो पैसा भी हमें बचेगा। अभी HSBP है उसमें मेडिकल कॉलेजेस के साथ नए नर्सिंग कॉलेजेस 157 केंद्र ने किए हैं, सैंक्शन किए हैं, और जो नए सरकारी मेडिकल कॉलेज 2014 के बाद बने हैं या बन रहे हैं, ऐसे हमारे 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं। उन 157 में 6 का हमें लगता है कि उसमें हमें ये राहत मिलेगी कि उनके साथ एक एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए सरकार पैसा देगी, जिसमें यमुनानगर है, कैथल है, जींद है, भिवानी है, नारनौल है, करनाल है। तो करनाल का तो चल ही रहा है मेडिकल कॉलेज, बाकी जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो सारे इसमें मुझे लगता है कि उसके अंदर सब साथ आएंगे। एक बात और जो कही है कि ज्वाइंट पब्लिक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च, इस पर फोकस किया गया है, क्योंकि अभी तक प्राइवेट वाले अपना करते हैं और सरकारी अपने होते हैं, लेकिन एक ज्वाइंट ऐसा रिसर्च का सिस्टम बने, उस पर भी केंद्र सरकार ने जोर दिया और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये विषय ऐसा है, सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर प्राइवेट क्षेत्र को भी अगर साथ जोड़ेंगे तो बहुत स्पीड बनेगी उस रिसर्च के काम में, और आज हेल्थ के नाते से, मेडिकल साइंसेज के नाते से ये बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इस बार नई योजना बनाई गई, उसमें 66% का बजट ये बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, जो कुल मिलाकर पहले 41,000 करोड़ रुपया था, 79,000 करोड़ रुपया, 79,000 करोड़ ये उसके लिए आवंटन किया गया है, जिसका निश्चित रूप से हरियाणा में भी हमको लाभ मिलेगा। और हमने तो हरियाणा में जो 1,80,000 रुपये तक के जितने परिवार हैं, BPL परिवार, उनका सर्वे शुरू कर दिया है, जिनके अपने मकान नहीं है, ऐसे लोगों को इस सहायता में हम भागीदारी उनकी करा सकें, ये हमने पहले से योजना बनाई है। अभी पिछले सालों तक हमने जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में से लिए हैं, 34,000 से अधिक मकान तो बन गए हैं, 23,000 मकान अभी निर्माणाधीन है। वैसे ये 57,000 मकानों का पहले से हमें पिछली योजना में लाभ मिला था, अब आगे सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जितने भी ऐसे परिवार पाए जाएंगे उन सबको हम केंद्र सरकार से योजना मंजूर कराएंगे, ताकि इसका लाभ 79,000 करोड़ रुपये से हमको भी मिल सके। 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम, इसकी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो योजना बताई गई है, इसमें निश्चित रूप से हिसार का हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें भी हमको लाभ होगा। फरीदाबाद में एक एयर हेलीपोर्ट, एक हेलीपोर्ट 20 एकड़ जमीन पर हमने पहले ही प्रस्तावित किया है, ताकि वहाँ, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को उतरने में काफ़ी समय भी लगता है, उनको परमिशन नहीं मिलती है, उनकी प्रोसेस लंबी होती है, तो पास में ही गुरुग्राम में यदि किया जाएगा तो उस 20 एकड़ पर हेलीपोर्ट जैसा बना करके और उस सुविधा ऐसे हवाई यात्रा गुड़गांव में 20 एकड़ का हम गुड़गांव में स्थापित कर रहे हैं, उसका इसके अंदर हमें लाभ मिलेगा जो योजना बनाई गई है हेलीपोर्ट्स की। फरीदाबाद नहीं, गुड़गांव, फरीदाबाद नहीं है, बोला तो गलती से, नहीं नहीं फरीदाबाद में, फरीदाबाद नहीं, गुड़गांव में है। ऐसे ही एक बहुत अच्छा बजट लगभग 3,600 करोड़ रुपए का जो RRTS के लिए, इस योजना के लिए मंजूर किया गया है। RRTS की हमको मालूम है कि रैपिड रेल, ये जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये दिल्ली सरायकाला खां से 3 जो आर्म्स हैं, 3 दिशा में, और ये चलेगी। उसके अंदर एक दिल्ली मेरठ है, एक दिल्ली करनाल है, और एक दिल्ली रेवाड़ी से शायद अलवर है, शाहजहाँ, तो एक वो दिशा में है। उसमें बड़ा हिस्सा हरियाणा में से होकर निकलेगा, तो उसका भी लाभ हमको पूरा निश्चित रूप से होने वाला है, और हरियाणा का एक कुल मिलाकर के इस सारे पोर्शन में समझता हूँ कि 60% तो हरियाणा में ही उस सारी तीनों उस योजनाओं का जरूर होगा, और ये योजना जब पूरी जब हो जाएगी तो कनेक्टिविटी के नाते से पूरा दिल्ली NCR, इसके जो शहर हैं या जो आसपास क्षेत्र है, दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी की होगी। हमने जब प्री बजट मीटिंग की थी तो उसमें कुछ सुझाव दिए थे,
उसमें से दो सुझाव जो है हमारे वो जो मान लिए गए हैं, एक तो जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF ये पहले से बना है, इसी तर्ज पर UIDF बनाया जाए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये बनाया जाए, तो इस बार वो मान लिया गया है कि उसको भी सस्ते ब्याज के ऊपर और इस फंड में भी कुछ पैसा शहरों के लिए दिया जाएगा ऐसा, और खास करके जो मध्यम दर्जे के और छोटे शहर हैं वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे, ये इसके लिए विशेष तौर पर और इसकी घोषणा की गई है। एक दूसरा सुझाव हमने जो पिछली बार दिया था मान लिया गया था, इस बार भी सुझाव दिया वो भी मान लिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से कुछ राशि बिना ब्याज के एक दीर्घकालीन राशि वो मिलनी चाहिए, तो पिछली बार भी 1,00,000 करोड़ रुपया हमने सुझाव रखा था, माना गया था, इसका और बढ़ाया जाए तो एक साल के लिए इसको और भी बढ़ा दिया गया है, तो 1,30,000 करोड़ रुपया, पिछली बार 1,00,000 करोड़ था, इस बार 1,30,000 करोड़ रुपया इसके लिए राशि आवंटित की गई है, और पिछली बार हमें हिस्सा मिला था 874 करोड़ रुपया, और मुझे लगता है क्योंकि इस बार 30% ज़्यादा है तो 100-1,100 करोड़ रुपये के आसपास हम अपेक्षा करते हैं कि हमको ये राशि जरूर मिलेगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं के लिए नहीं। जॉब्स इस नाते से कैसे बढ़े इसकी भी योजना केंद्र ने काफी बनाई है, और एक अच्छा पहलू ये है कि बेरोजगारी की जो दर है जैसे बताई गई है अर्बन की, उसमें विशेष तौर पर बताई है, ग्रामीण का आंकड़ा तो इसमें नहीं दिया गया, जो जून 20 में 21% जो बेरोजगारी की दर शहरों की थी, स्वाभाविक है कोविड के समय वो एक बढ़ी थी, एक जंप आया था बेरोजगारी में, लेकिन अब वो 7.2% अभी जो आंकी गई है, तो बेरोजगारी काफ़ी कम हुई है। और भी कैसे बेरोजगारी समाप्त हो, रोजगार कैसे ज़्यादा बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो बजट में योजनाएं की गई हैं, खास करके इसमें जो इम्पोर्ट जिन चीज़ों का होता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका हो, ताकि हमारा इम्पोर्ट कम हो सके, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कैसे बचे। वैसे फॉरेन एक्सचेंज में भी काफ़ी सुधार आया है, आज की डेट में 9 महीने का जो इम्पोर्ट है उसके बराबर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, ये हर महीने में कितना इम्पोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट हुआ फॉरेन एक्सचेंज कितना हमारा बढ़ा उसके आंकड़े हर महीने लगाए जाते हैं, और उसका पैमाना यही होता है कि भाई कितने महीने तक हमारा जो रेगुलर इम्पोर्ट होगा उसका फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है, तो अभी 9 महीने की दर चल रही है, और 9 महीने बाकी बहुत से देशों का जो इम्पोर्ट का ऐसा कैलकुलेशन होता है जिसमें हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उससे हम काफ़ी अच्छे बेहतर स्थिति में हैं, और आगे कैसे हमारा इम्पोर्ट कम हो एक्सपोर्ट बढ़े उससे फॉरेन एक्सचेंज और भी बढ़ेगा। कैपिटल एक्सपेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो 16-17 में 2,50,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंसेस था, और 22-23 जो पिछला वर्ष अब जा रहा है उसमें 7.3% सेंटर का बता रहा हूँ ये, और 23-24 का जो बजट है उसमें 10,00,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंस हो, इस प्रकार की योजना बनाई गई है, अपने आप में एक बहुत अच्छे दिशा में दिया गया बजट है कि ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंस हो। रेवेन्यू एक्सपेंस तो नॉर्मल खर्चे होते हैं जितने, वो तो चलना ही है, उसमें कहीं कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अब तुलना में जो हमारा बजट का कलेक्शन रिसीट्स हैं उसमें कैपिटल एक्सपेंस को बढ़ा सकें ताकि रेशो थोड़ी सी ठीक हो सके। हरियाणा की भी हमारा कैपिटल एक्सपेंस की जो टोटल है शायद 34% हमारा इस समय चल रहा है, कैसे इसको बढ़ाया जाए लगातार इसके ऊपर सब सरकारों का प्रयत्न रहता है। NPS भी बहुत कम हो रहे हैं, ये भी अच्छी दिशा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत हो रही है, उसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अब लोन दिए जाते हैं जो एडवांस किए जाते हैं बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, जो बिना सोचे समझे एडवांस जो है वो सिफारिशों पर चलते थे उसको बहुत रोका गया है, शेल कंपनीज को बंद किया गया है, और NPS जो कभी मार्च 20 में 8.2% थे सितंबर 22 में अब जो है 5% तक आ गए हैं, तो एक बहुत अच्छा ये पहलू है कि बैंक्स की स्थिति जो है इम्प्रूव हो रही है। GST की कलेक्शन एवरेज 1,50,000 करोड़ रुपया चल रही है, हालांकि एक महीने में बीच में 1,66,000 करोड़ रुपये भी हो गई थी, लेकिन एवरेज 1,50,000 करोड़ रुपया चल रही है, और इसमें हरियाणा का भी एक अच्छा योगदान है, हरियाणा की जितनी GST कलेक्शन है वो नॉर्मल जो 14% है उससे भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रदेश का 14%
इंक्रीज हो वो एक अच्छा प्रदेश माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है, लेकिन हमारी 14 से अच्छी है प्रगति उसकी इंक्रीज की। हमारी अब 14 से मैंने कहा 15-25 पहुंच गई है, तो 25% हमारी ग्रोथ जो है एनुअल ग्रोथ, पिछले साल से एक साल का है अभी, उससे पहले तो हम कमी थे, लेकिन पिछले एक साल में हमारी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। अब चूंकि हमें जो इसकी रीइंबर्समेंट मिलती थी 14% से कम जिन प्रदेशों का होता था उनको सेंटर जो है उसको कंपनसेट करता था, अब वो कंपनसेशन भी 5 साल के बाद खत्म हो गई है, 17 में शुरू किया था, 22 में खत्म हो गया, लेकिन खत्म होने के बाद भी हमें इसलिए नुकसान नहीं है कि हमारा जो ग्रोथ है वो पर्याप्त है, इसलिए हमें उसकी कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इनकम टैक्स के बारे में तो हमको सबको पता ही है कि कैसे उसके स्लैब बढ़ाए गए हैं, बदले गए हैं, यानी 6 स्लैब पहले होते थे उसके 5 स्लैब कर दिए, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, और 15 से ऊपर सारा एक ही है, तो उसके भी अलग अलग स्लैब में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से वो किया गया है। और इसमें भी 2 प्रणालियां जो शुरू की गई हैं, एक प्रणाली जो पहले थी जिसके अंदर डिडक्शन ATC की है या और प्रकार की डिडक्शन है, लगभग 1.5 लाख रुपए की आसपास की होती थी, एक सिस्टम वो है, एक नया सिस्टम ये है कि जिसके अंदर वो कम कर दिया, यानी समाप्त कर दिया डिडक्शन, रेट जो है वो कम कर दिए गए हैं, उसका विस्तार से तो सारा डाटा हमको मिल जाएगा, लेकिन दोनों में छूट दी गई है कि आप कौन सी प्रणाली को चुनना चाहते हैं वो कैलकुलेशन करके जिसको जो लाभ मिलेगा उस हिसाब से वो उसको चुन सकेगा। लीव एनकैशमेंट जैसे हमको मालूम है कि पहले प्राइवेट का ही है, ये प्राइवेट क्षेत्र में 3 लाख रुपए तक की लीव एनकैशमेंट उसकी डिडक्शन होती थी, अब वो 3 के बजाय 25 लाख रुपए लिमिट कर दी है कि अगर आपकी लीव एनकैशमेंट 25 लाख रुपए भी अगर राशि मिलती है आपको तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे ये कुछ इस प्रकार का विषय बढ़ाया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने पहले बताया ही है कि भी हमने पहले से इसको काफ़ी शुरू किया है, और खास करके जैसे हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये डिजिटल एक सिस्टम, ये केंद्र सरकार से भी पहले कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले से शुरू कर रखी हैं। अंत्योदय की बहुत सी योजनाएं जैसे हमने परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ के की हैं, तो वो सारे देश भर में धीरे धीरे लागू हो रही हैं। अंत्योगत्वा अब वंचितों को वरीयता, ये एक थीम है सरकार का कि जो वंचित है, जो डिजर्व करता है, उसको कैसे प्राथमिकता दी जाए, तो वंचितों को वरीयता दी जाए, ये एक स्लोगन ये जरूर दिया गया है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना ये शुरू की गई है, और इस बार तो यह आया है कि गेहूं और चावल के साथ साथ मिलेट्स का भी PDS की दुकानों के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूशन करने को बढ़ावा दें, वो अपनी योजना बनाएंगे, कैसे बननी है कोई स्टेट के ऊपर ही है, लेकिन इसके इस पर भी केंद्र सरकार कुछ ना कुछ बढ़ावा देने के लिए और सहायता करने के लिए वो तैयार है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट, जो क्रेडिट एग्रीकल्चर का है, तो उसको बढ़ा करके भी 20 लाख करोड़ रुपया ये कर दी गई है। भंडारण की क्षमता भी बढ़ाई गई है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो हर साल लगातार बढ़ रहा है, तो भंडारण के कारण से जो लॉस होता है, नुकसान होता है, वो उसमें ना हो, इसके लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। स्क्रैप की जो एक रखा गया कि स्क्रैप के कारण से व्हीकल्स का जो स्क्रैप होगा उनको पुराने व्हीकल को हटाने के लिए, और इसमें भी एक सब्सिडी की घोषणा की गई है, वो सब्सिडी कितनी होगी, लेकिन हमको बहुत लाभ होगा क्योंकि NCR एरिया में 10 साल और 15 साल के जो वाहन हैं पेट्रोल डीजल के, उनको हटाने की बात कही गई है, तो अल्टीमेटली स्क्रैप उसको जो करना है उसकी सब्सिडी उनको पर्याप्त मिलेगी, तो जल्दी लोग उसको हटा लेंगे, इस पर भी एक घोषणा की गई है। ऐसा तो अभी एकदम आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमने एक गुरुग्राम में 5000 ऑटोज की एक योजना पहले बनाई है कि हम 5000 ऑटोज को पहले एक फर्स्ट फेज में रिप्लेस कर दें, ताकि ई व्हीकल्स या फिर CNG वाले भी है ना उसमें, CNG के वाले ऑटो कमर्शियल,
अभी कमर्शियल को सरकारी तो हमने शुरू कर दिए हैं, बदलने की बजाय हमने नए व्हीकल जैसे बसें हैं, हमने अभी जो नई बसें रोडवेज ले रहे हैं वो ईवी ले रहे हैं, ई व्हीकल ही ले रहे हैं, शायद 200-250 कुछ ऐसे भी आ रही हैं, हाँ 200 कुछ हैं तो वो सब आ रही हैं अभी। और उसके बाद आगे जो यानी हम परचेज करेंगे वो ई व्हीकल्स और दोनों मिला करके, और ई व्हीकल्स का जैसे जैसे अनुभव आता जाएगा वैसे वैसे हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आधार कार्ड का भी एक बताया कि जैसे ठीक करने के लिए उनके पते और के व्यक्तियों की पहचान या अन्य जो उसमें करना है कोई परिवर्तन करना है किसी ने आधार कार्ड में, तो उसके लिए वन स्टॉप समाधान ये एक योजना बनाई गई है, क्योंकि आधार में भी कई तरह की गलतियां ऐसी धारा में आई हैं। परिवार पहचान पत्र के नाते से तो हमने शुरू कर दिया है, काफ़ी उसको ठीक कर भी लिया हमने, और 31 जनवरी तक का समय दिया था। मुझे लगता है कि लगभग 90% हमारी वो सब ठीक हो गया, फिर भी कुछ कमियां तो रेगुलर ADC ऑफिस में उसकी व्यवस्था बनाई गई उसको ठीक करने के लिए। मुझे लगता है 90% के लगभग ठीक हो गए हैं, उसमें कोई उसमें कठिनाई नहीं है। फिर भी जिनके ठीक नहीं हुए थे और खास करके राशन कार्ड उन्होंने बहाल कर दिए उनके, नहीं उसमें स्वाभाविक है, इतने सारे आखिर 72 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र बना है, और ह्यूमन एक इंटरफेस के कारण से व्यक्तियों की तो आखिर काम है, सारे गलतियां कई हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने ठीक करानी है उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है और 90% उसमें से ठीक हो गई। ऐसा है कि हमने सारे डाटा को 5 विभागों में बांट दिया है, 0 से 6 ईयर्स WCD, 6 से 18 तक स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से लेकर 60 तक ये यूथ और जो एम्पावरमेंट हमने नया जो प्लान बनाया यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट उनको दे दिया, 60 से ऊपर सोशल जस्टिस, और उनको जो डाटा दिया है अब वो अपने अपने विभाग से डोर टू डोर सर्वे करा करके, और कोई भी किसी को कमी लगती है उस डाटा को गोल्डन करना है, किसी का मनोनाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का कोई किसी कारण से कोई एड्रेस गलत है, कोई नाम नया जुड़ने से ना छूट गया हो, नए वैसे तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जुड़ रहे हैं, जिनकी डेथ रजिस्टर हो रही है उनको उसमें से निकाल रहे हैं, फिर भी ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, खास करके इनकम वेरिफिकेशन, तो इनकम वेरिफिकेशन अलग अलग सूत्रों से करेंगे, उसमें से ठीक थिंकिंग लोगों की भी हो जाएगी। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकम होती ज़्यादा है वो अड़ते हैं कि नहीं जी हमारी तो बहुत ही कम है, सरकारी लाभ लेने के लिए जिनका कोई रिकॉर्ड डाटा नहीं है। ये इनकम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, इनकम वेरिफिकेशन जो हमारे से पहले हुई हुई है, कोई भी अपने नए उसके ऊपर दाना चाहता है कि मेरी इनकम पहले गलत लिखी हुई हो नहीं लिखवाएगा, ये जो वेरीफाई करने का काम इसलिए नहीं किए तो नया लिख के ले आएंगे, उसको फिर डिपार्टमेंट जिसको कहना चाहिए बैक ऑफिस में कि भी किनकी कितनी है और किनों ने शिकायत की है उसको वेरिफिकेशन बाद में कराएंगे, अभी तो केवल इन्फॉर्मेशन लाएंगे, ये जो 6 डिपार्टमेंट हैं ये तो कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर है तो अपने लिख के ले आएंगे, ताकि हम बैक ऑफिस में बैठ करके उनको मिलान कर सकें कि किसी की वास्तव में गलत तो नहीं है, क्योंकि इनको भी सबको वेरीफाई करके को ठीक करने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल सूचना लाएंगे सर्वे करेंगे। इनकम तो मैंने बताया ना कि अगर गलत पाई जाएगी उसका कोई स्लैब अलग होगा तो फिर वेरीफाई कराने का काम क्रेड करेगा, एप्लीकेशन नहीं केवल दर्ज करके लाएंगे, दर्ज करके लाएंगे। तो अपने लिख के ले आएंगे तो मैं गलत तो नहीं है, क्योंकि इनको भी सबको वेरीफाई करके को ठीक करने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल सूचना लाएंगे सर्वे करेंगे। इनकम तो मैंने बताया ना कि अगर गलत पाई जाएगी उसका कोई स्लैब अलग होगा तो फिर वेरीफाई कराने का काम क्रीड करेगा, एप्लीकेशन नहीं केवल दर्ज करके लाएंगे, दर्ज करके लाएंगे, जब सर्वे करेंगे कोई भी अपना बताता है कि हाँ इस परिवार की इनकम इतनी है, पहले कितनी है इनको नहीं बताया जाएगा, केवल कोई अगर खुद शिकायत करता है तो उसको लिख के आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये सारी चीजें बहुत एक सेंसिटिविटी है इसकी, और सेंसिटिविटी में हम हर आदमी को दौड़ाएं जाके वेरीफाई करके आओ, भाई जिसकी शिकायत है वही तो बताएगा, इसलिए हर किसी की बार बार वेरीफाई नहीं करनी,
ये तो चलने वाला सतत प्रोसेस है। आज एक आदमी बेरोजगार है, उसके परिवार की इनकम मान लो 1.5 लाख रुपया है साल की, जैसे उसका रोजगार लगेगा वो अपने आप 4 लाख पर आ जाएगा। तो वो एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। ऐसे ही केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे कंप्लायंसेस, जिन कंप्लायंसेस का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता है और वो अननेसेसरी होती हैं, उनको जो हटाने का अभियान लिया तो 39,000 कंप्लायंसेस ये हटाई हैं। 3400 से अधिक जो कानून हैं, जिन कानूनी प्रावधानों के कारण से व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता था, ऐसे भी कुछ कानूनों को हटा करके, कुछ कानूनों को सम्मिलित करके और 3400 कानूनी प्रावधानों को उस अपराध घोषित करने वाली जो धाराएं थी वो खत्म कर दी, व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाए। कोविड के समय का जो उनकी सिक्योरिटी होती थी, जिसको उस समय काम ना करने के कारण से जब्त किया गया था, तो 6 महीने का हमने तो अपने यहां पहले ही उसको माफ कर दिया था, उसको लौटा दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे कोविड पीरियड के लिए जो भी जब्त हुई है उसको वापस करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं वो तो वापस करेंगे, ऐसा ही हम अपने प्रदेश में भी जब योजना बनानी होगी तो कोई जरूर बनाएंगे। एक बहुत ही प्रधानमंत्री जी की बड़ी एक जिसको कहना चाहिए फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी माता, इस पृथ्वी माता के नाते से भी लोगों में एक धारणा भावना बनाई जाए और इसको जो दोहन की बजाय शोषण करते हैं, जब वो पानी का शोषण है, वो खनिज का शोषण है, वो फॉरेस्ट काटने की बात है, तो ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, एक नया कार्यक्रम ये चलेगा। इस पर भी जो योजनाएं आएंगी हम इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। जी चलाएंगे, निश्चित रूप से चलाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय, हालांकि हमने बहुत पहले किया है। अब मेरा पानी मेरी विरासत, ये उसी का एक हिस्सा है कि पानी को बचाओ। ऐसे ही वन लगाए जाए ज्यादा ज्यादा, हमने ऑक्सीवन की योजना चलाई, वो इसी का हिस्सा है। तो इस अभियान को जरा और तेज गति दी जाए। अगर केंद्र सरकार कोई चीज अपने हाथ में लेती है तो स्वाभाविक है प्रदेशों को उसमें सहयोग होता है, प्रदेश उसकी गति बढ़ाएंगे। विषय बहुत हैं, लेकिन एक उसमें उल्लेखनीय है कि जो पैक्स हैं, 63,000 पैक्स, इनको कंप्यूटरीकृत करने के लिए भी जो योजना बनाई गई है उसका लाभ उठाएंगे। हम भी अपने सारे जो पैक्स हैं उन सबको और कंप्यूटर करेंगे, उसमें जो सहयोग केंद्र सरकार देगा उसको हम प्राप्त करेंगे। लघु सिंचाई के लिए भी 5,300 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें जो भी ऐसा एरिया है जिसके अंदर पानी कम है या तो वहां, या जहां पानी डीप बहुत चला गया है वहां लघु सिंचाई परियोजनाएं, उसके लिए केंद्र सरकार सहायता करेगी, उसका हम निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। बजट सेशन की मैंने बात बताई है। आज के मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर एक निर्णय ऐसा लिया गया है कि एक शहीद कौशल कुमार रावत, उनकी पत्नी श्रीमती ममता रावत, इनका केस बहुत कई वर्षों से, यानी मैंने स्वयं उसको परसू भी किया है, मेरे पास 2019 के बाद इनके पति की, जब उनकी जो पत्नी है शहीद की, वो पत्नी आई तो उन्होंने अपने पति के शहीद होने के बाद पैसा जो है वो उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। कारण यह कि वो जो व्यक्ति भर्ती हुए थे आर्मी में वो यूपी से थे और रहने वाले थे कहीं आगरा के, लेकिन उनकी भर्ती के बाद उनका जो परिवार यहां रहता था वो गुड़गांव में शिफ्ट कर गए थे और पिछले 23-24 साल से और वो गुड़गांव में रह रहे थे। अब चूंकि उनका एड्रेस मूल उत्तर प्रदेश का था, उनको राशि, उनको 25 लाख रुपए उनके खाते में आ गई, मिल गई, लेकिन जब नौकरी का विषय आया तो वहां शायद पॉलिसी नहीं है या उन्होंने मना किया, और हमें फिर जब अप्रोच किया गया तो केस ऐसा बन गया कि वो यूपी के हैं, नागरिक या हरियाणा के हैं। अंततः हमने आज उनको उस एक्सग्रेशिया के आधार पर नौकरी जो है वो दी है। तो एक इस प्रकार का केस ग्रुप डी में, हाँ, तो मैं खैर पढ़ी लिखी है भी नहीं, ग्रुप डी की नौकरी की, हाँ, तो उन्होंने
अधिकार एक बताया भी स्वाभाविक है, हम शहीदों के पत्नियों को देते हैं। हाँ जी, उनकी पत्नी को, उनकी पत्नी श्रीमती ममता रावत। एक वैसे तो जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है, फिर भी आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा वो मैं आज कर रहा हूं कि जो हमारा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो था उसका नाम बदलकर स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ये कर दिया है। ऐसे ही जो डिविजनल लेवल पर भी विजिलेंस ब्यूरो 6 बनाए गए हैं उनका नाम भी डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो ये रहेगा। विजिलेंस का अपने प्रकार का काम है वो रहेगा, वो स्टेट जो सीबीओज हैं वो अपना करेंगे, डिपार्टमेंट वाले करेंगे, विजिलेंस विभाग भी रहेगा, लेकिन ये जो पुलिस के द्वारा जो विजिलेंस ब्यूरो बनाया गया है जिसके चेयरमैन जिसके डीजी एसएस कपूर हैं उसका नाम अब एंटी करप्शन ब्यूरो रहेगा। टेक्निकल नहीं, एक लोगों में उसका मैसेज भी। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, वो तस्वीर भी देखिए आपको दिखा रहे थे। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र, सीएम ने कहा है 20 फरवरी से बजट सत्र होगा। केंद्र सरकार के बजट पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, हर वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया बजट, ये कहा है। और इसी के साथ कहा कि 8 सालों में प्रति व्यक्ति की आय जो है वो दोगुनी हुई है, ये बड़ी बात है। और इसी के साथ देखिए प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी हुई है 8 सालों में, यहां पर ये बड़ा बदलाव आया है। हरियाणा में 2,75,000 प्रति व्यक्ति की आय सीएम की तरफ से ये जिक्र किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा केंद्र से बेहतर है, यानी कि हरियाणा केंद्र सरकार से भी बेहतर। यहां पर आय के मामले में रोजगार बढ़ाने को लेकर भी योजना बनाई गई है। हरियाणा में जीएसटी कलेक्शन में 25% की बढ़ोतरी भी है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजना शुरू, ये भी सीएम ने कहा है। और एक एक पॉइंट जो केंद्र सरकार के बजट में रहे उसके बाद कैसे हरियाणा आगे प्रगति कर रहा है उसको लेकर देखिए कि तस्वीर साफ की गई, पिक्चर साफ की गई है। यहां पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा केंद्र से बेहतर, यह भी कहा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, वापस आएंगे तो दिखाएंगे 25 बड़ी खबरें।